अस्सलाम वालेकुम इन आवर न्यू वीडियो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं, इससे पहले जो है हम लास्ट चीज़ को रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने से पहले ये बात बताऊँ, वीडियो से तो वीडियो लाइक कर देना, और लास्ट में जो हमने फर्स्ट सेट के बारे में बात की, सेट क्या है? सेट जो है इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट जो है एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट यानी कि अ सेट ऑफ अ टी, अ सेट ऑफ अ सोफ़ा एंड ETC। और उसके बाद हमने थ्री फॉर्म्स की बात की, थ्री फॉर्म्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट टेबुलर फॉर्म। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स की बात की थी, टाइप्स की एम्प्टी सेट, नल सेट एंड ओवरलैपिंग सेट, एंड जो है वो हो गया डिसजॉइंट सेट, इक्वलेंट सेट, इक्वल सेट और ये सेट से। उसके बाद हमने एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 1 क्या था। आज हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 जो है ये है कि राइट द सेट बिलो इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर बी टेबुलर फॉर्म, एंड राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। कार्डिनल नंबर के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले क्वेश्चन 1 है हमारा। सबसे इसको सेट का लिखने का हमने तरीका भी बता दिया था। सेट को लिखने का पहले आप सेट नेम लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद जो है एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद जो है इज अ स्क्वायर नंबर, इज अ स्क्वायर नंबर एक्स लेस देन 101, कर्ली ब्रैकेट एंड उसके बाद स्टॉप कर दिया। ये इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा। तो इसका जो तरीका है, सबसे पहले हमें इसकी हेडिंग डालनी होगी जो कि है ए पे आ जाएगा टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे हम इसको। टेबुलर फॉर्म में लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। टेबुलर फॉर्म आप इसको लिख सकते हो एक्स सच एक्स इज अ स्क्वायर नंबर लेस देन 100। इसमें लिखने हैं आपने नंबर्स लेस देन 100 से जो कि स्क्वायर नंबर हो। स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? 2 होता है स्क्वायर नंबर। सबसे पहले सॉरी सेट का नाम लिख दिया और कर्ली ब्रैकेट। 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, एंड 8 एंड 10 एंड जैसे कि बाकी 12 हो गया, 14 हो गया, ऐसे होते हैं। ये जो है हमारा टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बारी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बी लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख देते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये हमने इसका नाम लिख दिया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखने के बाद हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का भी बिल्कुल सिंपल तरीका, सॉल्व सेट ए लिख दिया हमने, सेट ए लिख दिया कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट के बाद जो है कर्ली ब्रैकेट का इसको सॉल्व करना है। एक्स और जो एक्स इज अ स्क्वायर नंबर लेस देन 100, एक्स अदर एक्स इसका किसका नाम है, कौन से उसका वो है, एक्स अदर एक्स जो है सेट टेबुलर फॉर्म का एक रूल है, यानी कि एक मेथड है उसका, जिस जो कि आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो सबसे पहले यानी कि स्टार्ट करने से पहले जो है एक्स सच दैट एक्स लगेगा। ये लास्ट एक वीडियो हमने बताया रखा था फर्स्ट वीडियो में कि ये जो है टाइप्स है उसकी सेट्स की, जिसमें ये कि एक थर्ड टाइप है उसकी सेट टेबुलर फॉर्म, तो वो वाली जो है उसमें ये रूल है उसका कि ये हमें आपको लाजमी लिखना है। यानी कि रूल समझें या मेथड समझें या कोई फॉर्मूला समझें, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद जो है हमें इसको किसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने का बिल्कुल सिंपल तरीका, आपको थोड़ा सा पीछे आना है जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो मैंने समझाई थी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे लिखनी है, उसकी डेफिनेशन थी कि हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी कि वर्ड्स में लिखनी है, इन वर्ड्स में लिखनी है। इन वर्ड्स में जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सच एक्स इज अ स्क्वायर नंबर लेस देन 101, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी कि इन वर्ड्स में लिखना है। इन वर्ड्स में लिखने का कौन सा तरीका होगा? इन वर्ड्स में लिखेंगे हम, सिंपल है बिल्कुल, स्क्वायर नंबर्स लेस देन, आप इसको यूं भी लिख सकते हो या यूं भी लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन ये भी आप लिखते हो तो बिल्कुल सही है। ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो वो आपका सही है। स्क्वायर नंबर लेस देन 101, ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो ये जो है क्वेश्चन 1 था, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 1 था। ये जो है यहाँ पे इसके एक क्वेश्चन डन हो गए। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की जानी बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको रेस करते हैं। और एक और चीज़ के जो कि आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने इसकी फॉर्म्स और टाइप्स के बारे में बात की थी, तो काइंडली आप वो लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो जाके देख लो। क्योंकि जो इस वीडियो में जो हम समझा रहे हैं यानी कि टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सब जो है हम उस वीडियो से रिलेटेड है। यानी कि वो आपने वीडियो देखी तो समझो ये आपको बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है सी। क्वेश्चन सी करेंगे।
क्वेश्चन सी है हमारा, इसमें क्या है, इसमें भी बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपने सेट का नेम लिखा, कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ किया, कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ करने के बाद आपने लिखा x such that x, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था such that, आपको ये कमेंट बताना है इसका मतलब क्या था, such that, ये मैं आपको बता दूँ, उसको आपने पढ़ना भी such that है, उसका मतलब भी है such that, यानी कि ये दो डॉट, इसको आप किसी रेशो के वर्ड में भी आप यूज़ करते हो, लेकिन इसमें जो है सिंपल यहाँ पे इसको such that के मतलब से इंडिकेट किया जाएगा, x such that x is a month of the year, month है ईयर का। तो इसको सबसे पहले किसमें लिखना है, हमें इसको सबसे पहले लिखना है टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, और सबसे पहले जो है टेबुलर फॉर्म की हेडिंग लगानी होगी टेबुलर फॉर्म। और एक और क्वेश्चन था कि हमें टेबुलर फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या कोई सेट बिल्डर फॉर्म नीचे लिखना है कि ऊपर, ये आपकी मर्जी, आप ऊपर लिख सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो। तो हमने सिंपल टेबुलर फॉर्म लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना है। टेबुलर फॉर्म में क्या था, टेबुलर फॉर्म के आपने जो है जैसे 1, 2, 3 हो गए ऐसे लिखने, टेबुलर फॉर्म में एक्स अजय एक्स विजा वन जानी कि किसी के नाम लें, तो 12 मंथ ऑफ द ईयर, तो ये ईयर के जो नेम है वो कैसे लिख लें, वो सिंपल बात है। ईयर में कितने मंथ्स होते हैं आपने कमेंट में बताना है, ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं उनके नेम लिखने यहाँ पे, लाइक डेट जनवरी, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च एंड जो बाकी हैं वो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। ये आपका एक टेस्ट है, सिंपल सा टेस्ट है, आपने लिखना है नीचे कमेंट में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 12 मंथ आपने लिखने हैं। और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने पहले भी बता रखा है कि डिस्क्रिप्टिव जो फॉर्म है वो है इन वर्ड्स में लिखने की। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अब हमें लिखना है, जो एक और बात बता दूं कि हमें जो है दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी आपका जो क्वेश्चन होगा अगर उसमें पूछा गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे कि हमारे लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था सेट बिल्डर फॉर्म और जो है टेबुलर फॉर्म, इन दोनों के बारे में लिखना था, तो इन दोनों के सामने रख के इन दोनों को, जैसे कि यहाँ पे टेबुलर फॉर्म है और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो यहाँ पे जो थी एक जगह टेबुलर थी, एक जगह सेट बिल्डर थी, आपकी कोई भी चेंज हो सकती है लेकिन हमें उनके मुताबिक लिखना है। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, और या फिर आप इसकी डेफिनेशन रीड कर लीजिएगा, उसको समझिएगा, और उसके बाद जो है आपको ये चीज़ ईजीली समझ आ जाएगी, फिर आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसकी हम जो है सबसे पहले डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है वो इन वर्ड्स में लिखनी है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि इन वर्ड्स में लिखनी है, इन वर्ड्स में लिखनी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इन वर्ड्स में लिखनी है, जैसे कि मंथ ऑफ द ईयर, मंथ कितने होते हैं ईयर में, 12 मंथ होते हैं, तो आपने लिखना है द 12 मंथ ऑफ द ईयर, कितने महीने, 12 मंथ ऑफ द ईयर, ये जो 12 महीने यानी कि 12 मंथ ऑफ द ईयर, ये इसमें लिख दिया हमने। तो आज हमारा जो है एक्सरसाइज, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 ए के क्वेश्चन 1 एंड 2 जो हैं डन हो चुके हैं, और अगर आपको सॉल्व करके हमें ज़्यादा डिटेल में बताने हैं तो हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप उसमें मैसेज कर दीजिए अपना जो होमवर्क है यानी कि जो हमने आपको दिया है ये वाला और वो वाला। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03 02 3837 318, आप इस पर मैसेज कर दीजिए अपना होमवर्क जो कि मैंने आपको दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उसमें मैसेज कर लीजिएगा तो वो हम आपको बताएं। तब तक के अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।